तुम इधर इस साइड आओ। कहाँ जा रहे हो? अपन लोग चल रहे हैं आज घूमने। और ये घूमी है तुमने? तो घूमने चल रहे हैं। गया ही नहीं यार वो। दूसरा देख, दूसरे चले से, दूसरे से चलो। एक और आ रहा है, ठीक है इधर आओ। ये सरस्वती शिशु मंदिर कहाँ है पता है तुम्हें? वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ऊंची वाली, वो उसी की तो है। ये वही तो रोड है राजेंद्र नगर में। तो ये है राजेंद्र नगर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। इसमें मैंने पढ़ाई की है, अपनी 5 से लेके 8 तक की पढ़ाई। मुझे काफ़ी अच्छा स्कूल लगा। यहाँ के सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं ये राजेंद्र नगर में सरस्वती शिशु मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें काफ़ी अच्छी स्टडी होती है। अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश मीडियम हो गया है, वो उस टाइम पे नहीं था जब मैं पढ़ता था। 2011 की बात है मेरी। तो ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग है पूरी। एंड अभी हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एंड ये अनमोल सुन के हंस रहे हैं। अनमोल हंस रहे हो तुम? तो दोस्तों ये है करमे रोड और ये है ड्रीम इंडिया। ये भी यार काफ़ी कॉस्टली स्कूल है, लाइक बहुत अच्छा है। ये करमे रोड पे पड़ता है और मुझे चलना है अभी ऑटो से या फिर ई रिक्शा से रेलवे स्टेशन। तो चलिए ट्राई करते हैं कोई चलता है या नहीं। तो साथ में अनमोल भी है, ये अनमोल मेरी दीदी का लड़का। तो चलते हैं फिर। तो हाँ स्टेशन, हाँ है 10 रुपये, हाँ ठीक है। तो अभी हम स्टेशन के लिए चल रहे हैं, ये भैया लेके चल रहे हैं हमें। ये पूरा करमे रोड है और ये बैठे हैं अनमोल। अनमोल बोलो, कुछ बोलोगे? कहाँ चल रहे हैं हम लोग? एंड ये रहा शिवानी गार्डन। इस टाइम पे आई थिंक यहाँ पे भागवत हो रही है। इस मेन रोड से तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये पक्का पता है। ये शॉर्टकट है भैया की कोई, तो चलते हैं यार काफ़ी। ये भी ठीक है, मैंने ये कोई बात नहीं, हमें तो पहुँचने से मतलब है। आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉक में। वैसे आई होप आप लोगों को पता होगा उरई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ग्रीनरी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, पूरा एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैं तो यार मतलब शॉर्टकट से आया हूँ। अगर आप कभी आते हैं तो आप मेन रोड से आइए, बट ठीक है यार, ये भी काफ़ी ठीक थी शॉर्टकट। आप भी ट्राई ज़रूर करिए इसको अगर आप उरई से हो। हाँ उरई से होगी तो ज़रूर पता होगा सब कुछ यार आपको। ई रिक्शा में सिर्फ हम 2 लोग हैं और काफ़ी अच्छे से हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं उरई के। ये कंस्ट्रक्शन शायद चलता रहता है तो इसलिए यहाँ पे उनका सामान रखा है। तो ये है कुछ नज़ारा ऐसा स्टेशन के पास का। पार्किंग भी यहाँ पे है यार, मतलब ठीक है यार काफ़ी बढ़िया तो है। ये बाउंड्री रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मेन रोड है वो इतना ख़राब नहीं है, जट ये जिसके जिस रोड से हम लोग आए हैं ना, तो ये ज़्यादा ख़राब था। हाँ जानू
तो फ्रेंड्स अभी हम हैं उरई के रेलवे स्टेशन पे। ये इधर से स्टेशन रोड है और जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा उरई का रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन उरई में मतलब आप कानपुर और झांसी के बीच में पड़ता है ये, और आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से हर जगह की ट्रेन अवेलेबल मिल जाती है ज़्यादातर, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अभी हम लोग चलते हैं अंदर एंड आपको दिखाते हैं यहाँ। अनमोल में गाड़ी देखनी है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ का पूरा ग्राउंड, मीन्स यहाँ फील्ड है पूरी। यहाँ पे पार्किंग है, लाइक एवरीथिंग। यहाँ पुलिस भी है तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक वाटरफॉल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक कुछ फ़ोटो क्लिक्स हो रही हैं। एंड ये रहा वाटरफॉल, ये मेन एंट्री पे है और यहाँ थोड़ा होता रहता है वाटरफॉल, लेकिन अभी चल नहीं रहा यार ये। वैसे वाटरफॉल तुमने देखा कभी? ये वाटरफॉल है, ये चल नहीं रहा अभी। एंड ये देख सकते हैं आप यहाँ के फ्रंट में ये ऐसा है, ये रोड गया है सामने मच्छर चौराहे के लिए। और ये है लाइट जो रात में काफ़ी काम करती है, उजाला करती है यहाँ पे। और इट्स अ नो पार्किंग एरिया, इसके अंदर आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। अनमोल तुम्हें क्या क्या देखना है यहाँ पे? हैं कोई क्या ट्रेन देखनी है? ट्रेन तो आइए फिर हम लोग अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं अंदर एंट्री मिलती भी है नहीं। प्लेटफॉर्म शायद प्लेटफॉर्म पे एंट्री शायद नो एंट्री रहती है। ठीक है पापा, तुम्हें कभी यहाँ पे लेके आए हैं? नहीं आए? तेज़ बोला करो ना, तुम बोलना नहीं आता क्या? हम घुमा रहे तुम्हें, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप फ्रंट में ऐसा कुछ इसका व्यू है। और ये इसके आगे मीन्स जो ग्रिल लगी है इसके आगे आप कोई भी वाहन नहीं ले जा सकते, ये नो पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे पूरे स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिससे जो भी यात्री हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। और ये रात में आई थिंक लाइट कलर मीन्स ये जगता भी है तो बहुत अच्छा है यार। अंदर चलते हैं, लाइक इट्स अ वेटिंग एरिया। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं रेल्स की तो आप सामने काउंटर्स बने हैं, आप यहां से कोई भी ट्रेन्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो काउंटर बाय काउंटर पे आप जा सकते हैं। एंड यहाँ एक एटीएम भी है जिससे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है यार एक यहाँ पे स्टेशन बहुत ही अच्छा है। तो अभी ये देखो ट्रेन आ गई है, ये ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, ये उरई का बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टेशन है। यहाँ के शायद रैंडम में कुछ ही ट्रेनें मिलती हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन मोस्टली मिल जाती है। आ जाओ, तो यहाँ देख रहे हो आप रसगुल्ले भी, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, एंड समोसे एंड एवरीथिंग। As you can see काफ़ी लंबी ट्रेन है यार ये शायद गोरखपुर वाली ट्रेन है, गोरखपुर से पनवेल कोई जगह होगी मुझे तो नहीं पता, बट ये वही ट्रेन है। तो ये देख सकते हैं आप, वैसे अनमोल देख लिया ट्रेन इतने पास से तुमने कभी देखी है? कभी देखी है तुमने इतने पास से? कब देखी थी तुमने?
हाँ कब देखी थी? काफ़ी नहीं देखी तुमने, तुमने काफ़ी नहीं देखी। हाँ अच्छा, बैक से देखिए, बैक से पीछे से देखिए कभी ट्रेन। अभी ट्रेन रुक चुकी है, एक कुछ इधर पीछे का नज़ारा आप जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरा ट्रैक है और ऐसा कुछ व्यू है। हाँ कितनी ट्रेन है? दो नहीं है, एक चलती है इस पे एक उस पे, वो ना दोनों अलग अलग है, इस पे एक चलती है, उस पे अलग आएगी। धूप लग रही है ज़्यादा, गर्मी गर्मी लग रही है। चलो आज छाया हम चले, ऐसी धूप लग रही है अनमोल को बहुत ज़्यादा, तो हम दिखाने आए थे बस। तो ये कुछ ऐसा व्यू है, स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पनवेल, मुझे पनवेल तो नहीं पता, गोरखपुर काफ़ी फेमस है। ये प्लेटफॉर्म है, उरई का स्टेशन काफ़ी फेमस भी है अपने उरई और या इटावा, तो यहाँ के लोग जानते हैं नॉर्मली। वैसे अनमोल, तो फ्रेंड्स फिर से ट्रेन ये चल चुकी है, आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर रुकी थी, आई थिंक ये 5 से 10 मिनट रुकी होगी, और ये फिर से चलने के लिए तैयार, मतलब जा ही रही है। कैसी लगी ट्रेन? हाँ आगे से देखनी थी, अनमोल अजा ओवरब्रिज पे, यहाँ इधर से ऊपर से चलें। हाँ ऊपर, फिर ऊपर का भी देख लेना, क्या बढ़िया नज़ारा दिखेगा ऊपर से। ये ब्रिज बनाए गए हैं, अगर कोविड के टाइम पे हो तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें। वैसे हम भी मास्क का यूज़ करते हैं, वेल अनमोल तो लेके नहीं आया आज, यार फैंस और पैसेंजर के लिए फैंस यार हैं यहाँ पे, चल तो रहे हैं सब, बढ़िया तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी स्टॉल यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं अपना, जैसे रसगुल्ले या फिर समोसा यहाँ मिल सकते हैं। और अभी हम चलते हैं इस पे, तो ऊपर से कैसा दिखता है नज़ारा वो हम देखने के लिए चल रहे हैं अभी। ठीक है अनमोल, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आके, थोड़ा तेज बोलो। वेल अनमोल को आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग आप भी कमेंट करके बताएं। उधर से क्या देख रहे हो तुम, उधर वीडियो तुम्हारे फ़ोन में, तुमने चैनल सब्सक्राइब किया है मेरा? ये वैसे ऊपर का नज़ारा है, और ये देख लीजिए, डोंट टच लाइक यू नो दैट डेंजरस, यहाँ पे ये देख लीजिए डेंजरस का बोर्ड है। यहाँ इस साइड जाने के लिए इधर ये भी सीढ़ी है, तो ये एक और ट्रेन आ चुकी है। काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर से, अच्छा लग रहा है ये ट्रेन, देखी ऊपर से तुमने कभी, देखी या नहीं देखी? आजा फिर इस साइड ही चलें। हाँ छोड़ दें, वैसे भी यहाँ कौन सी गाड़ी चल रही हैं? ओए हाथ कैसे रखे, ये ऐसे हाथ रख के कौन चलता है? ये है ये, बूढ़े होगा तुम।
यार ब्रिज का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, देख रहे हो तुम? अनमोल मज़ा आ रहा है, अनमोल मज़ा आ रहा है तुम्हें? इधर रोज आओगे तुम यहाँ पे? नहीं आओगे? वैसे डेली नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्या करोगे आगे? घूमने जब कभी आया जाता। वेल, हम लोग नीचे पहुँच गए हैं फिर से, और ये ट्रेन अभी आई है, इसका नाम नहीं पता मुझे। अरे भाई बादल आगे, बादल छाने वाले हैं, वैसे मौसम और ख़राब ना हो, बस पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरी। इधर 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 अनमोल, हाथ पकड़ो। कहाँ बता, बच्चों को ऐसे नहीं घूमना चाहिए कहीं भी, साथ में जाना चाहिए बड़ों के। ऐसे गर्मी लग रही है यार घूम के, पीना है कुछ, खाना है कुछ, कुछ ले। चिप्स चाहिए तुम्हें? चिप्स सिर्फ चाहिए? रुपए दिखाओ, रुपए दिखाओ, कितने लिए? रुपए दिखा लो, नहीं रुपए निकालो, दो हाथ में दो रुपए ना, 5 रुपए। क्या चाहिए? हाँ नमकीन ले लो यार, नमकीन नमकीन खा लो जब तक। अच्छा अंदर 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 गई हो कभी? अंदर गए हो कभी? अंदर नहीं गए कभी? अच्छा अंदर दिखाएं तुम्हें, अंदर नहीं चलेगी, आ जाओ तुम। लाइक व्यू देखो यार, काफ़ी बढ़िया है, आ जाओ फिर। ये स्टेट का अंदर का नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया है। मैं तो ज़्यादा ट्रेन में सफ़र नहीं करता यार, लेकिन ये जो इसकी बगीज हैं, वैसे अनमोल यहाँ पे कभी कभी अंदर आए हो तुम? इसके अंदर कहीं बैठे हो तुम? नहीं बैठे? आई थिंक ट्रेन चलने वाली है, तो हम लोग निकल आए हैं, तो अभी ये जाने वाली है यार, जा बैठ जाओ यहीं पर। काफ़ी अच्छा व्यू है यार यहाँ का, और अनमोल का व्यू, अनमोल वैसे अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे आके? यार ये तो चलती जा रही है, भाई कोई रह गया यार? आ गया भाई, आ गया, आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और भी नहीं? मीट यू लेटर। ये भी कितनी बढ़िया ट्रेन थी, बढ़िया थी, अच्छी थी। तुम कभी इनमें बैठे भी नहीं हो, बैठना चाहिए तुम्हें। हम भी पानी पी लें यार, थोड़ा वीडियो बनाओ तुम। बोलो तो बताओ। नहीं ये पानी पी रहे हैं, इसे दबा रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये हम अनमोल को बोलना नहीं आता यार, वो ट्राई कर रहा है, मेरे साथ सीख जाएगा वो। यहाँ पे पानी जा रही है, मुँह पूछ लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो माय टॉली यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है अनमोल। अनमोल इधर देखो, हेलो करो, हेलो। तो ये है अनमोल, एंड ये मेरी दीदी का लड़का है, और ये इसको मैं घुमाने लाया हूं उरई के रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे का व्यू, ये रेलवे स्टेशन है उरई का, एंड मैं इसको घुमाने लाया हूं। अगर आपको भी उरई के ब्लॉग्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो माय टॉली यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोकल एरियाज़ जैसे औरैया, इटावा या फिर उरई, और भी सिटीज़ हैं
जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए अपने घर पर रह के। तब तक के ख्याल रखिए एंड मिलेंगे आपको आगे 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 वीडियोज़ में मिलेंगे यार, क्या मिलेंगे ना आगे वीडियोज़ में हम लोग। अगर आपको अनमोल के साथ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे फर्स्ट वीडियो है ये, इसके बाद और भी वीडियोस अनमोल के साथ आएंगी। एंड अगर आपको अच्छी लगे और इसके साथ की वीडियो जितनी भी अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। अनमोल मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है यार, बादल गरज रहे हैं। घर पर चलें कि यहीं रुकें? वैसे भी यहाँ पानी थोड़ी ना गिरेगा यार ऊपर, मतलब अच्छा तो है यार, छाया तो है बढ़िया और बढ़िया ठंडक भी है। वैसे बादल पीछे यार, पीछे की साइड बादल बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो बताओ फिर चलें या ना यहीं पे रुकें? पता है इसको मम्मी ने, इसके मम्मी ने 5 रुपए दिए थे, बस 5 रुपए लेके आए तुम? कहीं घूमने जाते 5 रुपए लेके जाते? 5 रुपए में आता क्या है वैसे? 5 रुपए पानी की, तुम पानी पीना था, 5 रुपए बोतल भी नहीं आ रही थी पानी की। ऐसा करोगे मम्मी संग में नेक्स्ट टाइम, तब कम से कम 100-200 रुपए लेके आना अपने लिए। हाँ नहीं बता रहा हूँ पहले से, या मैं खर्च करूँ तुम्हारे लिए? कोई बात नहीं, वैसे भी पानी तुम्हें पिला दिया मैंने। अच्छा था पानी, ठंडा था या नहीं? आ जाओ फिर। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इधर मैंने पूरा घूम लिया है यार, काफ़ी जल्दी जल्दी ट्रेन आ रही है यार। यहाँ पे स्लीपर कोच है ये, और भी आई थिंक स्लीपर हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लीपर हैं, बोगीज बहुत सारी हैं। तो ये ब्रिज है वही जिससे अभी हम नीचे आए थे। अनमोल नेक्स्ट टाइम, पता तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था यार, अभी यहीं पे आ रहे लेने तुम्हें। देखो और तुम्हारी शर्ट लेनी ना स्कूल के लिए, तुम्हें तो स्कूल के लिए शर्ट चाहिए तुम्हारे, कल से जाना है स्कूल तुम्हें यार। लोकमान्य तिलक मुंबई टू लखनऊ, ये वही ट्रेन है जो उरई रेलवे स्टेशन पे अभी है। लेकिन यार इसमें सारे स्लीपर हैं। हाँ काफ़ी लंबा सफ़र होता है यार, बिल्कुल सही है यार, स्लीपर प्रेफर करेंगे आपको अगर लंबा सफ़र कर रहे हैं आप। लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करती है, दैट मीन्स मुंबई टू लखनऊ, वाओ अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग ब्रो। अनमोल कभी मुंबई गए हो तुम? कभी जाना है उधर? पता सारे हीरोज हैं, मतलब बालवीर भी वहीं पे है। हाँ बालवीर वहीं पर रहता है। वेल एज यू कैन सी दैट द व्यू ऑफ रेलवे स्टेशन उरई। वैसे उरई का रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे उरई, ये नॉर्थ सेंट्रल में है। अभी इस साइड से, इधर से नहीं चलेंगे पता है तुम्हें, इधर से तो अभी आए थे अपन, अब सीधा बाहर चलेंगे। अब यहाँ पे बस ऐसे ही चलो। कुछ बोलना चाहोगे? कहते वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज बोलो यार, बोलना नहीं आता, खाना नहीं मिला क्या आज? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं तुम नहीं बोल पाओगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत है तुम्हें अभी। ये पार्किंग है यहाँ की, काफ़ी अच्छा स्टेशन है। आप भी यहाँ घूमने तो यार आ जाइए एक बार, मीन्स यहाँ का व्यू अच्छा है और आपका अच्छे से। वैसे मैंने कोई प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं लिया था घूमने के लिए, क्योंकि अनमोल था मेरे साथ तो मैंने घूम लिया वैसे ऐसे। अरे इतनी बड़ी बड़ी नहीं वहाँ पे। ये पार्किंग है एंड यहाँ एक ये बिल्डिंग बन रही है, आई डोंट नो अभी कंस्ट्रक्शन इसमें काम चल रहा है, अभी पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई।
वैसे अनमोल आके कैसे लगा तुम्हें यहाँ पे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कहाँ चलना है? आने के लिए बहुत रुपए खर्च होते हैं वहाँ पे। कैसे जाओगे? रुपए हैं इतने? मम्मी ने तुम्हारे 5 रुपए दिए तुम्हें खाने के लिए। मुंबई जाना है तुम्हें, पहले नौकरी करो, रुपए का वहाँ बहुत सारे, देन उसके बाद मुंबई चलेंगे, साथ में ही चलेंगे दोनों, ठीक है? वैसे अनमोल के पापा आ गए हैं अनमोल को लेने के लिए, एंड रुक जाओ। और अभी अनमोल के लिए एक ड्रेस लेने चल रहे हैं अपन लोग, ठीक है? ड्रेस लेना, बैठो तुम। कल कभी अच्छी शर्ट मिली थी, आज जाने का ही शर्ट दिखा रहे हो वो। और ये है गांधी कॉलेज।